हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा राजस्थान ट्रिप का। अभी हम किशनगढ़ से निकल के जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। अभी बज गया शाम का 4:45। किशनगढ़ में हमने बहुत मस्ती किया डंपिंग यार्ड में, एंड आफ्टर हैविंग लंच अब हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। याना हेलो, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। प्लान तो था हमारा डायरेक्टली उदयपुर जाने का, लेकिन इतना लेट हो गया तो लग नहीं रहा बच्चों के साथ हम उदयपुर तक जा पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे इतना लंबा। सो हमने एक हॉल्ट ले लिया चित्तौड़गढ़, जो हमारे लिस्ट में नहीं था, लेकिन देखा है गूगल में वहाँ का फोर्ट एक बहुत अच्छा है। लेट्स सी कैसा लगता है। सो लेट्स गो टू चित्तौड़गढ़। यहाँ से चित्तौड़गढ़ 220 किलोमीटर है अप्रॉक्स, एंड लगभग 3 घंटा लगेगा हमें पहुंचने में। फुल हाईवे है, सो हमें लगता है 3 घंटे में हम आराम से पहुंच जाएंगे। राजस्थान में एक चीज़ है, अभी तक हमने जितना भी घूमा है रोड ट्रिप में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि व्यू बहुत प्यारा मिलता है, माउंटेंस एंड फुल हाईवे। और अभी शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं सनसेट कितना सुंदर लग रहा है। इधर हाईवेज़ में ट्रक बहुत चलता है, डे टाइम में भी चलता है, एंड आप देख सकते हैं 3 ट्रक है, तीनों अलग अलग लेन में है, जिस वजह से छोटी गाड़ी को निकलने में थोड़ा टाइम लगता है और टाइम वेस्ट होता है फालतू में। सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा आपको अगर शाम के बाद अंधेरा हो जाए तो जानवर वगैरह भी साइड से आ सकते हैं, तो उसका ध्यान देना होगा। अदरवाइज़ आप बहुत मस्ती करोगे रोड ट्रिप में, और कोई दिक्कत नहीं है, रोड तो बहुत बहुत अच्छा है। सो डेफिनेटली आप आराम से इधर रोड ट्रिप कर सकते हो। अभी हम टोल क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम किशनगढ़ टू चित्तौड़गढ़, ये पहला टोल है। वी आर ऑन NH 48। ये NH शुरू होता है दिल्ली से, एंड ये 7 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए तमिलनाडु तक है। सो ये बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है, एंड बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, फुल मेंटेन्ड है। सो टोल तो लगता है, लेकिन बहुत अच्छा है, टाइम सेव होता है हमारा। दिस इज़ सेकेंड टोल। यहाँ से चित्तौड़गढ़ हम 53 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा, अनदर 45 to 50 मिनट्स लगेगा हमें लगता है। ओह माई गॉड, वन मोर टोल, मतलब लगभग 200 किलोमीटर में ये थर्ड टोल है जो अभी हम क्रॉस करेंगे। इतने छोटे बच्चों के साथ रोड ट्रिप में थोड़ा दिक्कत होता है कि वो क्रॉल करना चाहते हैं, लेकिन इतने छोटे जगह पे पॉसिबल नहीं हो पाता, तो बहुत परेशान करते हैं। सो बस इसलिए हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस एक बार में कवर नहीं कर रहे हैं। इधर दोनों साइड तलवार ये सब का दुकान है यहाँ पे, मतलब लिटरली फील आ रहा है राजस्थान वाला पुराने ज़माने टाइप का, जैसे राजा लोग रहते थे, तलवार रखते थे। हमारी गाड़ी अभी 60 के स्पीड में चल रही है, अभी तक तो 120 के स्पीड में थे, लेकिन ओनली रीज़न इज ट्रक, बहुत बहुत सारे ट्रक्स है यहाँ पे, एंड आपको आगे लेन दिख रहा होगा उतना फ्री नहीं है। सो आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे अभी यहाँ पे नहीं चला सकते हो, अप्रॉक्स यहाँ से हाफ एन आवर और लगेगा हमें पहुँचने में। यहाँ से चित्तौड़गढ़ ओनली 7 किलोमीटर, एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट अप्रॉक्स 12 किलोमीटर। सो अब हम यहाँ पे स्टे देखेंगे कि हम कहाँ स्टे करें। हम लोग नियर बाई चित्तौड़गढ़ फोर्ट ही स्टे देखेंगे, उसके बाद फिर आगे डिनर का प्लान करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़, एंड ये रोड ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा फ्रॉम किशनगढ़ टू चित्तौड़गढ़। लगभग हमें 3 घंटा लगा यहाँ पहुंचने में, बहुत अच्छा रहा ये सफ़र। अब हम होटल देखते हैं। दिस इज़ होटल प्रताप पैलेस, आज हम यहीं स्टे करेंगे। ये मेन रोड में ही है, सो आपको ढूंढने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, एंड यहाँ का एम्बियंस थोड़ा हिस्टोरिकल टाइप है, सो अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ लिफ्ट नहीं है, सो अगर आप स्टेयर नहीं चढ़ पाओगे तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा, अदरवाइज़ और कोई ऐसा दिक्कत नहीं है यहाँ पर।
अब हम आए हैं डिनर करने इनबॉक्स कैफ़े में। हमने प्रॉपर डिनर किया था कुछ दिनों से, सो आज हमारा मन किया कैफ़े में डिनर करने का, क्योंकि कुछ हल्का फुल्का ही खाना है। सो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा रहता है। वैसे ये बिल्कुल पास में है प्रताप पैलेस से। हमने जो भी चीज़ मंगाया बहुत अच्छा था, एंड हम रूफटॉप पे बैठे। अगर आप डाइन इन बैठना चाहते हो तो डाइन इन रेस्टोरेंट भी है इनका। ये है मॉर्निंग व्यू फ्रॉम आवर विंडो ऑफ द होटल। एंड अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने हमारे होटल में। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया। यहाँ के ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं था, जो ये मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। यहाँ फॉरेनर्स बहुत आते हैं घूमने, एंड अभी एक बस आई है फॉरेनर्स की, सो ये लोग यहाँ पे स्टे करेंगे। सो ये होटल डेफिनेटली अच्छा है। अभी हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से फोर्ट घूमेंगे एंड देन फिर डायरेक्टली उदयपुर निकल जाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये गाड़ी, मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छा है, कंफर्टेबिलिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। हमारा तो जर्नी इस गाड़ी में बहुत अच्छा रहा। एंड वी आर ऑन द वे टू चित्तौड़गढ़ फोर्ट। फोर्ट देखते हैं कैसा लगता है, एंड देन हम लोग उदयपुर निकलेंगे, क्योंकि हमें उदयपुर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। बहुत अच्छी जगह है वो। आप अपनी गाड़ी से पूरा फोर्ट घूम सकते हो, पैदल चलने का ज़रूरत नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फोर्ट में बहुत वॉक करना होता है, एंड बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा चला जाता है उस चक्कर में। ये फोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, एंड इट कम्स अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर आपको हिस्टोरिकल टेम्पल्स मिलेंगे। यहाँ पर 19 टेम्पल्स है एंड 20 वाटर बॉडीज़ है, एंड इसके अलावा आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये फोर्ट जैसा दिखता था आज आपको वैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ यहाँ पे टूट गया है, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। आपको डिटेल में अगर हिस्ट्री जानना है तो आप यहाँ पे गाइड हायर कर सकते हो, जो अप्रॉक्स 100 रुपीज़ लेंगे एंड आपको डिटेल में यहाँ का पूरा हिस्ट्री बताएंगे। जिसको दिगंबर जैन लोगों ने बनाया, जो सबसे एंड में आप देखेंगे फ्रंट साइड में ईस्ट की साइड, कि आप जो 7 गेट चढ़ के फोर्ट में भी एंट्रेंस हुए हैं, बड़े बड़े जो गेट पोल, ये एक्चुअली फोर्ट का बैक साइड है। इस फोर्ट का जो ओरिजिनल फ्रंट था वो था ईस्ट की साइड, पूर्व दिशा की ओर, जिधर से हाथी घोड़ों से बैलगाड़ों से आना जाना होता था। लेकिन उस साइड के गेट मुगलों ने, मुस्लिम राजाओं ने अटक के समय बिल्कुल डिस्टर्ब डैमेज करके घिरा दिया, इसलिए बैक हो गया, आना जाना नहीं होता है, और आप जो है वो फ्रंट। लेकिन ओरिजिनल फ्रंट हमेशा फोर्ट का ईस्ट की साइड ही होता था, क्योंकि सूर्यवंशी राजा था। पैलेस का फोर्ट हमेशा मेन गेट पूर्व दिशा की ओर, जिधर से सूरज की पहली किरण निकलती है। और आप जो 7 गेट चढ़ के फोर्ट में एंट्रेंस हुए, ये सभी 7 गेट महाराणा कुंभा महाराणा प्रताप के परदादा थे। उन्होंने 14th से 15th सेंचुरी में जो बहुत बाद में बनाए। और आपने आते समय ये भी नोट किया कि हर गेट का नाम भगवान के नाम पर रखा हुआ है, राम पोल, लक्ष्मण, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल। तो सेम 7 गेट इस तरह से महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ फोर्ट में बनाए। और इसकी जितने भी छोटे छोटे आप देख रहे हो, ये सभी टेम्पल है जो अटक के समय डिस्टर्ब डैमेज कर दे रहे हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई पूरे मंदिर नहीं है। इस पूरे फोर्ट के अंदर ऐसे छोटे बड़े मिलाकर 113 टेम्पल है आपको देखने मिलेंगे। लेकिन टेम्पल जो बने हुए फोर्ट के अंदर 2 या 3 मंदिर मेन है, जहाँ पर आज भी पूजा पाठ होती है। बाकी हर मंदिर पूरे फोर्ट में इस तरह से डिस्टर्ब डैमेज है। और हिंदू धर्म के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, अशुभ माना जाता है, इसलिए टेम्पल में पूजा पाठ नहीं करते। मंदिरों को ज्यादा तोड़ा गया, हिंदू संस्कृति को मिटाना चाहता है, इसलिए मंदिरों को ज्यादा तोड़ा गया। बारिश का पानी, लेकिन ये पानी उस जमाने में पीने के लिए काम आता था। लेकिन अभी लोकल पब्लिक नहाते, कोई कपड़े वॉश करते, पानी ठंडा होता है, क्योंकि बहता हुआ पानी नहीं है। छोटी बाबू को ये लेफ्ट साइड में राजा रानी का मेन पैलेस है, पानी के बीच में जल महल, जहाँ पर राजा रानी दोनों साथ में रहते थे। और उस जमाने में क्या बोट से यानी कि नाव से आना जाना होता था, लेकिन यहाँ पर वोटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल महल को बंद करवा रखा है। और मेन पैलेस रानी के पानी के बीच में इसलिए बना जाते हैं, इसके 2 रीजन है। वो दुश्मन अगर अटैक करेगा तो पानी के बीच में सिक्योरिटी रहेगा, और गर्मी के 4 महीने ठंडा रहता है, यानी कि समर पैलेस ओनली गर्मी के 4 महीने के लिए जलमल बनाया। इस बार बारिश कम हुआ मैडम, इसलिए पानी डाउन है। बाकी सेंटर में ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ना, हाँ, वहाँ पे पानी होता है। इस साइड में जो ब्लैक वाला अवली दिख रहा है आपको, ये गोरा बादल की अवली है, जो महारानी पद्मिनी के 2 चचेरे भाई थे गोरा और बादल, जिनके लिए मूवी में बताया ना, सिर कट गए फिर भी बिना गर्दन के दल लड़ा था, वो दोनों कमांडो यहीं पर रहते थे। और जलमहल के आगे जो लेफ्ट में डैमेज पार्ट है,
वो सर्वेंट्स के लिए, जितनी भी नौकरी नहीं थी महलों में काम काज के लिए उनकी रहने की जगह। तो इस फोर्ट को प्रेजेंट टाइम अभी थ्री पार्ट में डिविडेड करेगा। फर्स्ट पार्ट में लिविंग एरिया, जो एंट्रेंस होता है मकान देखे, सेंटर में मोन्यूमेंट्स है और ये साइड में पूरा डियर पार्क सेंटर में जो गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है। फोर्ट के फोर्ट से बाहर नहीं है, लेकिन इस साइड में मोन्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए फॉरेस्ट बने। बाउंड्री देखी ना आपने, ये बनाकर सेंचुरी बना दिया। इसके अंदर दो तरह के जानवर डियर और सांभर, हिरण और भारत अभी रहते हैं, लेकिन 2016 से इसको बंद कर रखा है। बंद नहीं कर दिया, बंद कर। वाओ, यहाँ से व्यू इतना प्यारा लग रहा है, बहुत बहुत सुंदर व्यू है। देखिए यहाँ से किसी को मकान नहीं है और सिर्फ वही लोग गवर्नमेंट से परमिशन लेकर बैटल फील्ड के अंदर एग्रीकल्चर करते जो आप देख रहे हैं, गेहूं मक्का बाजरा खेत बने हुए हैं। सामने जितने भी हिल्स आप देख रहे हैं, ये फोर्ट जिस पहाड़ पर बना हुआ है, दिल्ली से लेकर यहाँ तक अरावली हिल्स है। अरावली तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओस्टी और जड़ी बूटी हिमालय पर्वत के बाद अरावली माउंटेन्स पाई जाती है। इसीलिए सामने पहाड़ों पर देखिए, यहाँ पर भी घने जंगल नहीं है। यहाँ पर आज भी बारिश के मौसम में 22 यानी कि 22 तरह की ऐसी स्पेशल जड़ी बूटी और औषधि होती है जिनका यूज यहाँ पर वैद्य लोग और यहाँ के ट्राइबल लोग आज भी करते हैं। ये था चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो कि बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आप घूमने आओगे गाड़ी से भी लगभग 1.25 घंटा आराम से लग जाता है, और अगर आप डिटेल में गाइड से हिस्ट्री जानोगे तो 2 घंटा 2.5 घंटा भी लग जाता है। हमने उतना डिटेल में नहीं जाना क्योंकि टाइम हमारे पास कम था। अब हम आए हैं यहाँ पे लंच करने, लंच करके फिर उदयपुर जाएंगे। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। सो अब हम निकल रहे उदयपुर के लिए। आप सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।